अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 जो है जिसका टॉपिक जो नेम है वो वेक्टर है वो शुरू करेंगे। तो इसके स्टार्ट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि वेक्टर क्वांटिटीज है और हमने पढ़ना है वेक्टर के अंतर्गत। तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्वान्टिटीज कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि फिजिकल क्वान्टिटीज आपके पास हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पर दो तरह की क्वान्टिटीज है, फिजिकल क्वान्टिटीज जो है उसके दो टाइप है। पहली क्वान्टिटी आपके पास है एक वैक्टर क्वान्टिटी, हम देखते हैं यहाँ पे वैक्टर क्वान्टिटी, और सेकंड आपके पास जो है वो है स्केलर स्केलर क्वांटिटी जो बेसिक डिफाइन इसकी बुक पे गिवन है। तो 325 के अंदर चीज की डिफाइन वगैरह गिवन है। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसकी दो टाइप है, एक आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा कौन सा है स्केलर क्वांटिटी। इसको डिस्कस करने से पहले वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो वेक्टर आपके पास क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें एक आपके पास जो है मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी गिवन हो तो वो कहां पे जाती है वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे लिख देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी यहां पे आपके पास गिवन होती है इसकी मैग्नीट्यूड, और इसके बाद क्या होता है इसकी डायरेक्शन भी आपके पास जो है वो गिवन होती है यहां डायरेक्शन भी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है, स्केलर क्वांटिटी इसमें सिर्फ आपके पास होता है उसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन होती है, मैग्नीट्यूड जो है इसकी सिर्फ यहां पे गिवन होती है। तो इसे हम कहते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे मैं स्केलर क्वांटिटी को आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डिस्टेंस जो है सिर्फ एक डिस्टेंस आपके पास गिवन हो स्केलर क्वांटिटी में, अगर डिस्टेंस गिवन है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है तो हम इसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहां से आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है इसमें सिर्फ जो है इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है कि कितनी मैग्नीट्यूड है, यहां पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ डिस्क्राइब की जा सके, कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सके किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, उसे हम कहते हैं कि वो सिर्फ क्या है स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सके किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, उसे हम कहते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस का मैंने बता दिया एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है, डिस्टेंस ए और बी के दरमियान में आपके पास मैंने बता दिया कि एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह बच्चे किसी और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम को क्या कहता है, वॉल्यूम को कहेगा कि आपके पास अगर एक क्यूब यहाँ पे गिवन हो तो उसका एक वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास गिवन होगा। लेट अस सपोज 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका एक वॉल्यूम गिवन है। तो बच्चे इस हमने वॉल्यूम को, इस क्यूब को हमने डिस्क्राइब कर दिया सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड कौन सी है इसकी 25 सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करके, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह बच्चे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो नेक्स्ट अगर हम देखें वेक्टर क्वांटिटी, अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रही है, और आपके पास जो है जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसकी देखिए बच्चे डायरेक्शन भी यहां पे गिवन होगी, डायरेक्शन और इसके साथ क्या होगा इसकी मैग्नीट्यूड भी गिवन होगी, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, फोर्स जो है इसकी एक एग्जांपल है। जैसे फोर्स कैसे इसकी एग्जांपल होगी, लेट अस सपोज आपके पास है यहां पे एक कोई भी मैस यहां पे गिवन है, तो इस मैस को बच्चे एक फोर्स अप्लाई करते हैं यहां से इस साइड से दूसरी साइड पे, यहां पे जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 5 न्यूटन की एक फोर्स यहां पे अप्लाई करते हैं, यहां से 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बच्चे इसकी एक डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन है वो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है। तो ये जो फोर्स एफ हमने अप्लाई की है इस साइड से F1 और यहां से F2 अप्लाई की, ये जो फोर्स है तो ये कहां पे चली जाएगी वेक्टर क्वांटिटी में। तो हमने कह दिया कि आपके पास ये जो F2 है F1 है, ये जो फोर्स अप्लाई की है ये क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कैसे है कि मैग्नीट्यूड आपके पास जो है इसमें 5 न्यूटन मैंने बता दी है, और इसके बाद मैंने ये बताया कि इसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन में भी किस डायरेक्शन मूव कर रही है, एक साइड को है और ये इस साइड को है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। तो आपके पास ये क्या हो गया, ये फोर्स जो आपके पास है ये एक मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड भी दे रही है और डायरेक्शन भी, इसका मतलब यह है कि एक वेक्टर क्वांटिटी में आ रहा है। तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड भी गिवन हो, तो आपके पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह आपके पास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन का सॉरी इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें चैप्टर पढ़ना है वेक्टर के मतलब, हम वेक्टर के मतलब जो है इसकी चीजें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है, एक तो हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे यहां पे फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास होगा सिंबॉलिकली, दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको लिखेंगे ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली। सिंबॉलिकली सिर्फ और सिर्फ सिंबल यूज करेंगे, सिंबॉलिकली ऐसी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की जिसमें सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं, ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली जो है उसमें हम उसकी लेंथ के बारे में बताएंगे और उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चे सिंबल क्या है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपके पास सिंबॉलिकली वेक्टर क्या है, देखें। तो बच्चे किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ उसका सिंबल जो है सिंबल रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आपके पास ए है, तो आपके पास अगर इसको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको बोल्ड वर्ड में लिखते हैं। पहला मेथड क्या है, हम इसको बोल्ड करके लिखते हैं इस ए को, जिसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम इस वर्ड में ए आपके पास इसको बोल्ड ना करें और उसमें एरो हेड बना, इसमें क्या लिखते हैं एरो हेड बना। तीसरा मेथड आपके पास क्या है, सिर्फ ए पे हम एक बार लगा दें, सिर्फ ए पे क्या लगा दें एक बार लगा दें, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये भी आपके पास क्या है एक वेक्टर। तो बच्चे फोर्थ मेथड हमारे पास क्या है, हम अगर स्मॉल लेटर यूज करना चाहें तो उसके नीचे एक स्मॉल सा बार लगा दें। अगर बी मैंने एक वेक्टर हमने कंसीडर किया, इसका मतलब इसके नीचे क्या लगा देंगे, एक स्मॉल बार लगा देंगे। उसका मतलब ये है कि आपके पास क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसकी सिंबॉलिकली इसकी वेक्टर की। तो बच्चे क्या किया, या तो इसको बोल्ड कर दें, या उस पर एक एरो हेड बना दें, या उस पर एक बार लगा दें, या अगर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो उसके नीचे एक स्मॉल सा बार लगा। तो ये जिसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह बच्चे हम अगर देखें ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या होता है, ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो बच्चे एक लाइन सेगमेंट हमारे पास होगी। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन नहीं, लाइन तो एक पार्ट ले लें, दो पार्ट से दरमियान में एक आपके पास ये है दूसरा ये, लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। इस लाइन सेगमेंट में एक एरो जो है, ये एरो हेड जो बता रहा है, ये तो लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 सेंटीमीटर की लाइन ली और इस पे क्या किया हमने, इस पे एरो हेड लगा दिया, जिसका मतलब ये जो वेक्टर आपके पास गिवन है ये इसकी मैग्नीट्यूड देगा। ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो इसका एरो हेड है ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो हम देखेंगे यहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वेक्टर को, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट क्या यूज हुई, यहां पे लाइन सेगमेंट एक यूज हुआ है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास इसका एक एरो हेड यूज हुआ है, वो कौन सा, ये जो है डायरेक्शन बता रहा है इसकी कि इस डायरेक्शन में। तो बच्चे हमने देख लिया कि वेक्टर क्या होता है कि जिसमें इसकी डायरेक्शन भी गिवन हो और उसकी मैग्नीट्यूड भी गिवन हो। जैसे हमने जो है फोर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप देखते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में। अब देखिए बच्चे डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी है, उसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, बाय पाथ अगर हम जाने तो यहां पे ये डिस्टेंस अगर जाना चाहे
डिस्टेंस लेस कहेंगे, लेकिन अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द डिस्टेंस में, तो आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो आपके पास है डिस्टेंस है वो बाय पाथ अगर उसको चेंज करना चाहिए, उसने कहीं पे जाकर मुड़ना है और कहीं पे जाकर स्ट्रेट आएगा, तो हम कहेंगे इसको आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आपके पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी रीजन क्या है वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो बच्चे नेक्स्ट आपके पास इसकी आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर के, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैग्नीट्यूड क्या होती है वेक्टर? तो मैग्नीट्यूड को देखने के लिए देखिए मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं नॉर्म वैल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। नॉर्म वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होगी? देखिए बच्चे सिर्फ एक स्मॉल लेटर बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल लेटर से जो करते हैं, ना इसको बोल्ड करें ना इसको कोई बार लगाए, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो असल में होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास अगर बी है तो हमने ना तो इसमें बार लगाना है और ना ही इसमें कोई इसको बोल्ड करना है, ना इसमें कोई एरो हेड बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ एक स्मॉल सा बी लिख दिया। तो आपके पास क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर की। तो जैसे इसके बाद दूसरे में तो क्या इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? अगर ए भी 2.4 ये हमने लिख दिया कि आपके पास एक वेक्टर था, इसको हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर नॉर्म वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर नॉर्म वैल्यू। तो बच्चे जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक वेक्टर ए है, लेट अस सपोज कि एक वेक्टर ए है और xi + yj इसके कंपोनेंट है। xi और yj के कंपोनेंट से हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों साइड पे मॉड लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा? xy जो वैल्यू है, लेट अस सपोज अगर x और y रियल नंबर्स हैं तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अगर वो माइनस में है तब भी, अगर वो प्लस में तब भी उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है। और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।